इंडियन आर्मी की तरफ से एक न्यूज आई है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आर्मी रैली नवंबर 2020 भर्ती न्यू डेट जो मैंने करके लिखा है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसका मैं पूरा क्लियर आपको करके बताऊंगा, आप मेरे साथ यहाँ पे बने रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को एक कमेंट आ रहा है, क्यूरी आ रही है कि सर आपने जो हमें लिंक्स दिए हैं ऑनलाइन अप्लाई के समझ आएगा .in के ऊपर, जब भी हम इनके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये ओपन नहीं हो रहे हैं। और आपने जो हमें अप्रैल मंथ की भर्तियां बताई हुई हैं, जैसे कि दिल्ली की चल रही है, अगर हम उस पे भी जाते हैं तो कभी कभी ये ओपन हो रहा है, बट कभी कभी जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो ये बंद हो जाता है। जैसे कि हम दोबारा अगर इस पे क्लिक करते हैं, देखो ये छत्तीसगढ़ की थी, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सर्विस अन अवेलेबल बता रहा है। तो काफी सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही होगी, और अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता दूं, इसमें वेबसाइट का कोई दोष नहीं है, सिर्फ इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वो थोड़ी डाउन चल रही है उस वजह से। अब मैं दूसरी, ये देखो ज्वाइन इंडियन आर्मी में सर्च करता हूँ तो नहीं ओपन हो रही है डायरेक्ट भी, ठीक है। गूगल से अगर मैं इसको भी सर्च करता हूँ तो ये ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये देखिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो ये यहाँ पे आता हूँ तो नहीं ओपन हो रही है। तो आपने परेशान नहीं होना है। अब दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए काफी सारे एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, काफी सारी रैलीज कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन इंडियन आर्मी की जो रजिस्ट्रेशन है, जिनकी नोटिफिकेशनें आई हुई हैं, जैसे अभी श्रीनगर वगैरह की आई थी, तो उनकी रजिस्ट्रेशनें चल रही हैं। बस ये वेबसाइट थोड़ी सी डाउन है, तो आप परेशान मत हो जाइए, अपनी रजिस्ट्रेशन करना मत छोड़िएगा। जिनकी भी भर्ती आई है, जिनको नहीं पता अभी किसकी भर्ती आई हुई है, तो देखो हमारी वेबसाइट पे यही फायदा है कि सारा डेटा सेव है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में समझ आएगा .in के इस पेज का लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टेट देखना, लास्ट डेट देख लेना। जैसे ये दिल्ली की थी तो हमने क्लिक किया तो कभी ओपन हो रही है, देखो अभी ओपन ही नहीं हो रही है, तो कम से कम आपको डेट वगैरह पता चल जाएगी। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखो, रजिस्ट्रेशन हो रही है लेकिन जो रैली है उसकी डेट नई नई आती जा रही है। जैसे कि अभी वेबसाइट ओपन हुई थी कुछ देर पहले, तो मैंने जल्दी से इसको सेव कर लिया। तो ये एक रिक्रूटमेंट रैली है जो कि लुधियाना की 7 अप्रैल को होनी थी, अब ये नवंबर 2020 को होगी, 29 नवंबर 2020 तक चलेगी। आपको पता है लॉकडाउन है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने। देखो अगर मैं रिफ्रेश मारता हूं तो चलो ये वाला पेज भी गया, ये भी अब ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर लिया था, बड़ी अच्छी बात थी कि आपके पास न्यूज पहुंचा रहा हूं, तो प्लीज यार लाइक कर देना। दूसरी बात ये कि देखो अभी इंडियन पोस्ट ऑफिस का 10वीं पास फॉर्म चल रहा है, J&K स्टेट को छोड़कर बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें नायब तहसीलदार, प्लम्बर, कारपेंटर, ITI वाले, 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में एक और वैकेंसी चल रही है, वो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑनलाइन फॉर्म, 639 पोस्टें हैं, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए। इसकी डेट 30 अप्रैल है और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले की लास्ट डेट नियर अराउंड आपकी 22 अप्रैल है। और आप लोगों की जो MTS की पोस्टें हैं पोस्ट ऑफिस की, उसकी 22 अप्रैल है। तो मैं तीनों लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जो भी अच्छा लगे अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। एक ही लिंक दूंगा, उस पे आना तो आपको ये सारे पेज मिल जाएंगे, ठीक है। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारी इंडियन आर्मी की स्पेशल प्लेलिस्ट इंडियन आर्मी सिलेक्शन और स्पेशल टॉपिक वाली जरूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?